चलिए सुप्रभातम। उस दिन हमने आप लोगों को पुनरावृत्ति के बारे में बताए थे, आज उसे आगे बढ़ रहे हैं। पेज संख्या 8 और 9 के विषय में कुछ बता रहे हैं। पुनरावृत्ति में जो आप पुराने कक्षा में छोड़ कर आए थे वहीं से पढ़ाई होता है, जिसका रिवीजन अंग्रेजी में कहा जाता है, हम उसे पुनरावृत्ति कहते हैं संस्कृत में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पुनरावृत्ति के पेज संख्या 8 और 9 से, क्योंकि 6 और 7 पढ़ा चुके हैं, इसलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। और तो उसमें सबसे पहला है अनुशासन, अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहा जाता है। बच्चों को अनुशासन के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डिसिप्लिन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहावत सुना है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यदि हम अनुशासित रहेंगे तो सभी कार्यों को करने में हमें आसानी होती है और सभी कार्य हम उसे नियमित कर सकते हैं। आइए हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो उस दिन हम पढ़ाए थे आप लोगों को लोट लकार, फिर उसका पुनरावृत्ति कर दे रहे हैं। सह क्रीडक क्रीडतु, चूंकि लोट लकार में तीन चीज है, तीन चीज वह छिपा रहता है लोट लकार में। प्रथम है प्रथम पुरुष, लोट लकार अनुज्ञा कहा जाता है, अनुज्ञा यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक प्रथम पुरुष लोट लकार अनुज्ञा कहा जाता है। अनुज्ञा में तीन चीज होता है, तीन शब्द। एक प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन उसे कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति का बोध हो, और द्विवचन दो व्यक्ति का बोध हो, बहुवचन जिसमें तीन से अधिक यानी दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो। तो प्रथम में हमें आग्रह, आदेश और याचना यानी आज्ञा, आज्ञा मानना होता है। तो जैसे हम पढ़ रहे प्रथम में कि मैं खेलूं या नहीं, हम गलत, हम अब उसको सही से सुन लीजिए। प्रथम पुरुष में हम खेले यानी हम का अर्थ पूरा जो है, हम का अर्थ हुआ बहुवचन, यानी हम खेले, हम दोनों खेले, हम सभी खेले। और मध्यम पुरुष में तुम खेलो, तुम दोनों खेलो और तुम सभी खेलो। और उत्तम पुरुष में आग्रह है, मैं आज्ञा मांग रहा हूँ कि मैं खेलूं, हम दोनों खेलें, हम सभी खेलें। इसी के विषय में हम पढ़ा रहे हैं। देखिए बताया गया है, पहले ऊपर से पुनरावृत्ति कर देते हैं। रिवीजन, सह क्रीडक क्रीडतु, वह खिलाड़ी खेले, तो क्रीडक क्रीडताम, वे दोनों खिलाड़ी खेले, ते क्रीडक क्रीडन्तु, वे सभी खिलाड़ी खेले। अब ये पुलिंग हुआ, स्त्रीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। सह बालिका नृत्यतु, वह लड़की नाचे, ते बालिके नृत्यताम, वे दोनों लड़कियां नाचे, ता बालिका नृत्यंतु, वे सभी लड़कियां नाचे। उसके बाद जिसमें शब्द यानी तुम के बारे में बता रहे हैं। जिसमें शब्द त्वम युयाम दुयम, त्वम मने तुम युयाम दुयम, त्वम युष्मा है, जिसमें शब्द मने तू होता है और तुम भी होता है। तो प्रथम पुरुष होता है तुम, प्रथमा एक भी व्यक्ति तुम, युवाम युयम
तय तो तुम दोनों तुम सब इसका हुआ तुम सब ये बहुवचन हुआ एक वचन द्विवचन बहुवचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन तो वही एक वचन द्विवचन के बारे में बता रहे हैं। तुम क्षेत्र कर्षत तुम खेत जोतो यानी ऑर्डर है आदेश है द्विवचन का आदेश दिया जा रहा है कि तुम खेत जोतो और जुवाम क्षेत्रम कर्षताम तुम दोनों खेत जोतो द्विवचन हुआ तुम दोनों खेत जोतो द्विवचन में और बहुवचन में हुआ बहुवचन तुम सब खेत जोतो। अब आया उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन तो बता रहा है अहम सूर्यम नमामि मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ अहम सूर्यम नमः हम दोनों सूर्य को नमस्कार करते हैं वयम सूर्यम नमामः हम लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं। यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई तो नहीं होना चाहिए फिर भी मैं अपने तरफ से दोबारा इसको पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। सह मने वह क्रीडक मने खिलाड़ी क्रीडतु मने खेले वह खिलाड़ी खेले पुलिंग में है तो क्रीडता क्रीडक क्रीडताम वे दोनों खिलाड़ी खेले ते क्रीडक क्रीडंतु वे सभी खिलाड़ी खेले। अब हम स्त्रीलिंग के तरफ चल रहे हैं स्त्रीलिंग बता रहा है एक बालिका के लिए एक लड़की के लिए सह बालिका नृत्यतु वह लड़की या बालिका खेले ते के बालिके नृत्यताम वे दोनों लड़कियां खेले सह बालिका ता माने वे सब ता बालिका नृत्यंतु वे सभी लड़कियां खेले। इसके बाद तुम यानी ऑर्डर की ओर चल रहे हैं ऑर्डर देना है ऑर्डर में एक वचन द्विवचन बहुवचन एक वचन द्विवचन बहुवचन एक त्वम माने तुम दोनों द्वा माने तुम दोनों युवा माने तुम सब उसके बारे में बता रहा है। त्वम क्षेत्रम कर्षतः तुम खेत को जोतो यानी आदेश है आदेश किया जा रहा है। इसके बाद जुवाम क्षेत्रम कर्षताम तुम दोनों द्विवचन तुम दोनों खेत को जोतो युवाम क्षेत्रम कर्षतः वे सभी खेत को जोते हैं। उसके बाद उत्तम पुरुष आज्ञा मांग रहा है आज्ञा होगा अहम सूर्यम नमामि मैं सूर्य को नमस्कार करूं अवम सूर्यम नमामः हम दोनों सूर्य को नमस्कार करें वयम सूर्यम नमामः हम सभी सूर्य को नमस्कार करें। अब आइए अनुशासन के तरफ बढ़ रहे हैं अनुशासन पहले बोले थे कि अनुशासन देश को महान बनाता है हमें अनुशासित होकर किसी कार्य को करना चाहिए अगर अनुशासित होकर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो वह हमारी सभी कार्यों को पूर्णता मिलती है। आय अनुशासन बालक विद्यालय यथा समय गच्छन्तु सभी लड़के विद्यालय समय पर जाएं ते अनुशासनस्य नियमान पालयन्तु वे लोग अनुशासन के नियम को पालन करें। कक्षायां तुष्णीं कक्षायां अध्यापिकायां प्रश्नं प्रश्नतुं सा आनन्दिकायाः उत्थाय पृच्छः कक्षा में चुपचाप बैठे और कक्षा में अध्यापिका से प्रश्नों को
प्रश्नों को पूछें, उठकर खड़े होकर पूछें। अन्यस्मिन् कक्षे केवलम् पंक्तौ गच्छन्तु, और दूसरे दिन यानी कक्षे में पंक्ति होकर कतारबद्ध तरीका से कतारबद्ध होकर जाएं। स्वच्छम् परिधानेषु एवं विद्यालयम् गच्छन्तु, और साफ कपड़ों में ही विद्यालय जाएं। प्रतिदिनं पश्वापाठं अस्मरतु, प्रतिदिन अपने पाठ को याद करना चाहिए। स्वकार्यं स्वयमेव करोतु, अपने कार्य को स्वयं यानी अपने आप स्वयं करना चाहिए। एवं कर्णेन देवः अतिप्रसन्नः भवन्ति, इस प्रकार करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए आपको कारक के यहाँ तक पढ़ने में तो कठिनाई नहीं हुई, पढ़ाने में जो हम जैसा हिंदी बोल रहे हैं उसको फिर ध्यान से सुनिए। बता रहे हैं कक अनुशासन यानी अनुशासन डिसिप्लिन जिसको कहा जाता है, अनुशासन में रहने से ही हम सभी अपने कार्य को पूर्णतः पूर्ण कर सकते हैं। वही अनुशासन के बारे में बता रहा है। बालकः विद्यालय यथा समय गच्छन्तु, लड़के विद्यालय समय पर ही जाएं। ते छात्रः अनुशासनस्यः नियमानां पालयन्तु, वे वहां अनुशासन के नियमों को पालन करें। कक्षायां तूष्णिम् तूष्णिम् कक्षायां अध्यापिकायां प्रश्नम् प्रष्टुम् सानन्दिकायः उत्थायः पृच्छः। कक्षा में चुपचाप यानी चुप बैठे और चुप होकर कक्षा में खड़े होकर अध्यापिका से अपने बेंच से खड़े होकर प्रश्न पूछें। अन्यस्मिन् कक्षे केवलं पंक्तौ गच्छन्तु, और दूसरे वर्ग में कक्षा मैंने दूसरे कक्षा में वर्ग में केवल पंक्तियों में यानी कतारबद्ध होकर जाएं। स्वच्छम् परिधानेषु एवं विद्यालयम् गच्छन्तु, साफ कपड़ों में ही विद्यालय जाएं। प्रतिदिनं स्वपाठम् स्मरतु, और रोज रोज अपने पाठ को याद करें। स्वकार्यं स्वयमेव करोतु, और अपने कार्य को स्वयं करें। एवं करणेन देवाः अपि प्रसन्नः भवन्ति, इस प्रकार करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए पेज संख्या 9 के बारे में पढ़ा रहे हैं। कारकः पूर्णावृत्ति, कारक के यानी अंग्रेजी में केस कहा जाता है। कारक कारक के बारे में पढ़ा रहे हैं, बता रहा है। बालिका सेवम खादति है, लड़कियां सेव खाती है। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। त्वम दुग्धम पिबसि, तुम दूध पियो। वृद्धा दंडेन चलती, वृद्ध दंडे से चलता है। भिक्षुकः नेत्राभ्याम अंधः, नेत्राभ्याम का अर्थ होता है दोनों आँख से। भिक्षुकः दोनों आँख से अंधा है। बालकः मात्रः सह भ्रमति, लड़के माता के साथ जाता है। बालकः भिक्षुकायाम अन्नम यच्छति, लड़के भिखारी को धन देता है। कृषकः वृक्षाभ्याम घासम आनयति, किसान बैलों के लिए घास लाते हैं। सज्जनः जनेभ्यः सत्पथं प्रदर्शयन्ति, सज्जन लोग लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए
प्रेरित करते हैं। छात्रः विद्यालयात् आगच्छन्ति, विद्यार्थी विद्यालय से घर आते हैं। पथिकः ग्रामाभ्याम् आगच्छन्ति, पथिक लोग गांव से घर आते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। सूर्यस्यः रही थोड़ा सा यहाँ शुद्ध कर रहे हैं। पथिकः ग्रामाभ्याम आगच्छन्ति, पथिक गांव से घर आते हैं। दो पथिक गांव से घर आते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। सूर्यस्यः आपतं तीव्रं भवति, सूर्य की गर्मी तेज होता है। चंद्रस्यः प्रकाशः शीतलः भवति, चंद्र का प्रकाश यानी चंद्रमा का प्रकाश ठंडा होता है। सूर्य चंद्रे चंद्रयोः प्रकाशं अंधकारं नशति, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश अंधकार को नाश करता है। तपसः आश्रय वसन्ति, तपस्वी लोग आश्रम में निवास करते हैं। वृक्षयोः बानरः कूदन्ति, वृक्षों पर बंदर कूदते हैं। कमलेषु भ्रमरा गुञ्जन्ति, और कमलों पर भावरा गुंजायमान होते हैं। अब कारक यानी कारक के बारे में कुछ बता दे रहे थे कि कारक है, इसको संस्कृत में कारक का परिभाषा है, ये कार्य का है क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक को हम ऐसे संस्कृत में कारक छह होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। लेकिन अनुवाद की सुगमता के लिए हम उसे आठ मानते हैं। और संबंध और संबोधन को कारक इसलिए माना नहीं जाता क्योंकि क्रिया के साथ उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। केवल अनुवाद बनाने की सुगमता के लिए हम कारक को आठ मानते हैं। संस्कृत में संस्कृत में कारक छह होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है क्योंकि क्रिया के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है।
केवल विभक्ति मानी जाती है, इसे अनुवाद बनाने में सुगमता होता है। इस प्रकार कारक हम 8 प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, आगे कल फिर दूसरे दिन आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा।